सीरियल नमक इश्क की बात करें तो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कहानी का खाना पानी घर में बंद कर दिया गया है। ऐसे में कहानी को अपने भाई बहन और अपना पेट भरने के लिए पैसे चाहिए। युग सभी के सामने पैसे देने से मना कर देता है। कहानी कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, इस हक से आप मुझे पैसे दीजिए। यहाँ पर युग पैसे नहीं देता है, लेकिन जब कहानी बहुत परेशान होती है, रोने लगती है और उसके भाई और बहन भूखे होते हैं, तब युग कुछ पैसे निकालता है और कहानी को देता है और कहता है कि आज मैं पतंगा से बोल देता हूँ कि बच्चों को खिला दे। लेकिन यहाँ पर कहानी वो पैसे नहीं लेती है, कहती है कि खैरात के पैसे मैं नहीं लेती हूँ, जब नीचे मैंने आपसे पैसे मांगे थे, आपने क्यों नहीं दिए। युग कहता है कि नीचे तुम पत्नी के हक से पैसे मांग रही थी और मैं तुम्हें पत्नी का हक नहीं देता हूँ, इसलिए मैंने वो पैसे नहीं दिए। अभी मैं पैसे इसलिए दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये पैसे रखो और खाने पीने का चूल्हा चौका का इंतजाम कर लो। लेकिन यहाँ पर कहानी वो पैसे नहीं लेती है और फिर कहानी निकल पड़ती है बाहर पैसे कमाने के लिए। लेकिन वो करे तो क्या करे। फिर वो एक चाय के स्टॉल पर जाती है, जहां देखती है कि चाय वाला बिल्कुल यूं ही बैठा हुआ है, उसकी कमाई सुबह से नहीं हुई है। वो चाय वाले से कहती है कि आप टेप बजाइए, मैं यहां पर डांस करूंगी और जितने पैसे मुझे मिलेंगे, यानी कि जितने पैसे नीचे गिरे हुए होंगे वो मेरे हो जाएंगे, और जो आपके पैसे होंगे, आपके टी स्टॉल पर सब आएंगे मेरा डांस देखने के लिए, तो आपके टी स्टॉल से चाय भी पियेंगे, तो वो पैसे आपके हो जाएंगे। बोलिए आपको मंजूर है। यहां पर हाँ कर देता है। फिर गाना बजता है और कहानी यहाँ पर डांस करने लगती है और काफी पैसे उसे मिलते भी हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कुछ गुंडे आ जाते हैं, कहानी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है कहानी भागती है उन गुंडों से बचने के लिए, तभी युग पहुंच जाता है, क्योंकि युग को मालूम है कि कहानी बाहर गई है। युग पहुंच जाता है, युग फिर कहानी को बचाता है और उन गुंडों की बहुत पिटाई करता है। अब आपको बताते चले कि यहाँ कहानी भूखी है तो युग ने भी खाना नहीं खाया है। देखना दिलचस्प ये होता है कि आखिर इन दोनों के दिल कैसे मिलते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।